गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई सब कर रहे हैं अच्छे से? वेरी गुड। आगे पढ़ाई भी करेंगे हम, अभी इसी लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट में मोलर मास का सब कंसेप्ट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट के टॉपिक में हम मोल और एवोगैड्रोस नंबर को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मोल और मोलर मास को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है, व्हाट इज मोलर मास? इट इज द मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। तो अगर मेरे पास वन मोल सब्सटेंस है और उस वन मोल का सब्सटेंस का जो मास होगा उससे ही मैं मोलर मास कहूंगा। व्हाट इज वन मोल? हमने कल लिखा था वन मोल का मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो अगर इतने सारे पार्टिकल्स मेरे पास होंगे और उन सब पार्टिकल्स का जो मास होगा उस मास को मैं कहूंगा मोलर मास। अब बिकॉज पार्टिकल मेरे पास बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो मास होगा वो भी ज्यादा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे मेरे पास है वन एटम ऑफ कार्बन। वन एटम ऑफ कार्बन का मास होता है 12 U। और अगर मेरे पास है वन मोल ऑफ कार्बन, तो उस वन मोल ऑफ कार्बन का मास होगा 12 ग्राम। हमें सिर्फ यू को रिप्लेस करना है ग्राम के साथ, एटम को रिप्लेस करेंगे मोल के साथ, बाकी जो क्वांटिटी है या जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा। उसी तरह अगर मेरे पास है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसका मास होता है 32 U। और अगर मेरे पास है वन मोल ऑफ ऑक्सीजन तो उसका मास हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, समझ के सब बातें वाली? वेरी गुड। सिमिलरली अगर मेरे पास प्रेजेंट है वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaCl2, उसका मास होता है 111 U। और अगर मेरे पास है वन मोल ऑफ CaCl2 तो उसमें मास हो जाएगा 111 ग्राम। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। ओके, तो ये हुआ हमारा मोलर मास। तो वन मोल सब्सटेंस का जो मास उसे हम कहेंगे मोलर मास, इतने सारे पार्टिकल्स का जो मास उसे हम कहेंगे मोलर मास। क्लियर? अब मोलर मास पे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के बाद हमें फॉर्मूला भी ट्राई करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें कहता है कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कार्बन। तो हमें कार्बन के 0.5 मोल का मास कैलकुलेट करना है। इसका आंसर कर देते हैं, वन मोल कार्बन का मास है 12 ग्राम, तो 0.5 मोल कार्बन का मास होगा 12 × 0.5 यानी कि 6 ग्राम। तो हाफ मोल कार्बन का मास होगा 6 ग्राम। अब ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, अब एक हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? फॉर्मूला हमारे पास बनेगा मोल विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास क्या होगा? गिवन मास जो हमें क्वेश्चन के दौरान दिया गया है। मोलर मास क्या होगा? तो डिफॉल्ट मास। तो इस क्वेश्चन में दिस इज द गिवन मास एंड दिस इज द मोलर मास, बिकॉज ये मास वन मोल का है। गिवन मास कितने भी मोल्स का हो सकता है। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। चलो बच्चों, अब जो हमने एक फॉर्मूला नोट डाउन किया था उस पर एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो हमें कहता है क्वेश्चन में इफ लेट्स से 4 ग्राम ऑफ NaOH
इज गिवन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें 4 ग्राम NaOH गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सोल्व करेंगे इसको। मोल का फॉर्मूला हमें लिखा था अभी, दैट इज गिवन मास GM डिवाइड बाय मोलर मास MM। हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। गिवन मास है 4 ग्राम, मोलर मास कितना होगा वो हम कर सकते हैं कैलकुलेट। तो NaOH का मोलर मास चाहिए, Na का मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, H का 1, ऑन सॉल्विंग दैट कम्स आउट टू बी 40 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ NaOH, पुट इट हियर, 40 ग्राम पर मोल। तो ये कटेगा, कैंसिल होगा, तो आएगा ये 1/10, यहां पर आ जाएगा मोल, तो 1/10 मोल हमारे पास बनेगा आंसर। पर अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहता हूं तो मोल बनेंगे मेरे पास 0.5 मोल। तो 4 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 है, सॉरी 0.1 है, नॉट 5, 0.1 है। तो इसी पर एक हम रिलेशन तैयार करेंगे आगे बढ़ते हुए। रिलेशन हमारे पास होगा बिटवीन गिवन पार्टिकल्स एंड गिवन मास के बीच में, या फिर मैं अगर कहूं पार्टिकल्स और मास के बीच में हमें रिलेशन प्रिपेयर करना है। मास कौन सा होगा, मास होगा मोलर मास। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला ये रहा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और पिछली वीडियो में हमने लिखा था फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसे 1 कह देंगे, इसे 2 कह देंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसे इक्वेट करेंगे, बिकॉज ये सेम है दोनों केस में। दैट विल बिकम गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला एक हमारे पास क्रिएट हुआ, जिसका हम यूज करके हमें पार्टिकल दिए गए हैं, तो पार्टिकल से हम क्या निकाल पाएंगे, मोलर मास एंड वाइस वर्सा। नोट कर लेंगे इसको। तो चलो बच्चों, इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। सो क्वेश्चन ये है, हमें कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो हमें 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम चाहिए। सोडियम है सॉलिड स्टेट में, सोडियम मेटल है, तो एटम्स से मिलके बना होता है, इसीलिए हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला ये रहा, एज यू कैन सी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल की जगह अब मैं एटम लिख देता हूं, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास है 2.3 ग्राम, तो 2.3। मोलर मास होता है सोडियम का 23, तो 23 ग्राम होगा यहां पे, इज इक्वल टू ग्राम एंड ग्राम। गिवन एटम हमें चाहिए, तो इसको मैं GA ही कह देता हूं शॉर्ट में। एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, दैट विल बिकम 10, और ये कट के हो जाएगा 22, तो 10 की पावर 22। तो गिवन एटम्स जो हमें मिलेंगे आफ्टर सॉल्विंग दैट विल बी 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22 एटम्स। So this will be our answer. I think सभी को ये numerical समझ में आया होगा, इसे note करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे molar volume के बारे में, note कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब बात करते हैं molar volume के बारे में, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, मोलर वॉल्यूम क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस
when the quantity of gas is 1 mole. तो अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, उस 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास है 1 मोल हाइड्रोजन, यहां पर जो वॉल्यूम V होगा दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. अब ध्यान दें, क्योंकि गैस जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर से काफी ज्यादा अफेक्टेड होती है, तो जैसे ही आप स्लाइटली चेंज करते हैं प्रेशर टेम्परेचर में, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो अब हमें चाहिए एक फिक्स वैल्यू. उस फिक्स वैल्यू को अगर मैं बार बार यूज करूं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में तो वो सेम रहे हर जगह पे. तो उस फिक्स मोलर वॉल्यूम की वैल्यू के लिए हमें चाहिए फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर. तो वो फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर हम लेंगे एसटीपी के. तो हम अपनी कंडीशन फिक्स करते हैं एसटीपी. एसटीपी क्या होता है इसको मैं समझा चुका हूं पिछली वीडियो में. अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके वीडियो को देखें ध्यान से, और इससे पहले का टॉपिक भी आप अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हमने कल ही नेक्स्ट पिछली वीडियो में किया था. तो इफ यू हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी कंडीशन द वॉल्यूम फाउंड इज 22.4 लीटर्स. ठीक है, ध्यान रखें इस केस में टेम्परेचर की वैल्यू है 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की वैल्यू है 180. उसी तरह अगर मेरे पास प्रेजेंट है मान लीजिए 1 मोल CO2 गैस एट एसटीपी तो वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर. कंडीशन सेम रखेंगे तो वॉल्यूम भी सेम ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, दैट इज आवर एवोगैड्रोज लॉ. इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर इक्वल वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ओके. तो इससे एक क्वेश्चन हम तैयार करेंगे. तो क्वेश्चन ये है, हमें कहता है कैलकुलेट वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी इफ 0.5 मोल्स आर प्रेजेंट. तो हमें वॉल्यूम चाहिए हीलियम का एसटीपी पे जब उसके 0.5 मोल्स प्रेजेंट होंगे. तो इसे सॉल्व करेंगे हम डिफॉल्ट केस पे ध्यान देंगे. डिफॉल्ट केस क्या है, 1 मोल ऑफ हीलियम एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर. हमें 0.5 मोल पर चाहिए, तो 0.5 मोल ऑफ हीलियम एट एसटीपी विल बी 22.4 मल्टीप्लाई 0.5 लीटर दैट विल कम आउट टू बी 11.2 लीटर. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ हीलियम एट एसटीपी इफ वी हैव 0.5 मोल ऑफ इट. से नोट करेंगे, फिर हम रिलेशन प्रिपेयर करेंगे बिटवीन मोलर वॉल्यूम मोलर मास एंड पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस. ओके, तो लेट्स चेक द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर वॉल्यूम मोलर मास एंड पार्टिकल्स. ठीक है, मैं ये जानता हूं मोल होता है गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमने किया था. सेकंड में हमने आज किया है मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, सेकंड इक्वेशन. थर्ड हमने की तो नहीं बट वो बनेगी, ये मोल होता है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर. तो एसटीपी लगाना बहुत जरूरी है, यहां पे एसटीपी नहीं लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो इक्वेट हम इक्वेशन 1 और 2 को तो इक्वेट कर चुके हैं पहले, अब करते हैं इक्वेट 1 और 3 को. तो फ्रॉम 1 और 3
मोल्स एंड मोल्स आर सेम, दे विल बी कैंसिल्ड आउट, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा हमारा, और वो बनेगा गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ये एक बात फिक्स रखेंगे, गिवन वॉल्यूम एचसीपी पर होना चाहिए इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये बना हमारा फॉर्मूला रिलेशन। अब करेंगे इक्वेट 2 एंड 3 को, तो फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 में मोल एंड मोल विल कैंसिल आउट, ये दोनों इक्वेट होंगे आपस में, तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये बना हमारा रिलेशन, समझ गए? तो हमारे पास बन गए काफी रिलेशंस, और रिलेशंस का हम यूज करेंगे टू गेट द आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल। मैं फिर बता दूं एक बार, एसटीपी पर होगा तभी ये वॉल्यूम नोट किया जाएगा, अगर एसटीपी पर नहीं है तो ये वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब अगर हमारे पास वॉल्यूम एसटीपी पर ना होके किसी और कंडीशन पर है, तो उस वॉल्यूम को एसटीपी कंडीशन पर कैसे लाया जाए, उसका रिलेशन या फॉर्मूला चेक करेंगे। पर उससे पहले आप इसे नोट करेंगे, तो चलिए चेक करते हैं अब ये रिलेशन कि जब हमारे पास वॉल्यूम एसटीपी पे ना हो के किसी और कंडीशन पर है तो उसको एसटीपी पर कैसे लाया जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का। इस इक्वेशन की कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 5 में, जो मैं करवाऊंगा, बट अभी नहीं, बाद में। तो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फिर R इज द गैस कॉन्स्टेंट, T इज द टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ मोल्स, V इज वॉल्यूम एंड P इज प्रेशर। लेट्स से मेरे पास दो कंडीशन है, एक है मेरे पास एट एसटीपी, एसटीपी कंडीशंस के लिए मैं कह देता हूं P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1, बिकॉज R तो कॉन्स्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगा। एक है मेरे पास सम अदर कंडीशन, अदर कंडीशन के लिए मैं मान लेता हूं P2 V2 इज इक्वल टू N2 RT2, इसे 1 कह देंगे, इसे 2 कह देंगे, डिवाइड कर देंगे 1/2, डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा P1 V1 बाय P2 V2 इज इक्वल टू N1 RT1 डिवाइड बाय N2 RT2, R से R कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा P1 V1 बाय P2 V2 इज इक्वल टू N1 T1 डिवाइड बाय N2 T2। ये बना हमारा रिलेशन, ठीक है? फिर P1 V1 N1 T1 आर एट एसटीपी कंडीशंस, P2 V2 N2 T2 आर एट अदर कंडीशंस, ठीक है? अब अगर मैं कहता हूं कि N1 भी 1 है एंड N2 भी 1 है, मतलब कहने का ये है कि N1 इक्वल टू N2 है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होगा और ये बनेगा P1 V1 बाय P2 V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, ठीक है? तो ये बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। इस फॉर्मूले को नोट करेंगे, अब एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम अपने रिलेशंस को यूज करते हुए आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमें एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेम गैस एट 2 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में गिवन डाटा और फाइंड आउट डाटा को देखता हूं तो क्या है, हमें सबसे पहले चाहिए मास, हमें मास के साथ चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हमें साथ में वॉल्यूम भी चाहिए और वॉल्यूम हमको चाहिए एसटीपी पे। एक बात ये ऑल्सो हमें वॉल्यूम चाहिए अदर कंडीशंस पे भी, तो वी नीड वॉल्यूम एट अदर कंडीशन ऑल्सो।
हमें सिर्फ दिए गए हैं नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स की क्वांटिटी है 2, साथ ही साथ हमें प्रेशर दिया है अदर कंडीशन का जो कि 2 atm है एंड टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। तो ये सब हमें प्रोवाइडेड है और हमें ये सब फाइंड करना है। लेट्स डू इट। ओके, तो पहले मास निकाल लेते हैं। तो मैं जानता हूं मोल होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल हमें दिए हुए है 2, गिवन मास हमें चाहिए, हाइड्रोजन गैस है, इसका मोलर मास होता है 2 g/mol, तो गिवन मास हो जाएगा मेरे पास 4 g। हमारा फर्स्ट हो गया, गिवन मास आया 4 g। सेकेंड केस में हमें चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। गिवन पार्टिकल हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। मोल दिए है 2, एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻³। That will become 12.04 × 10⁻²⁰ molecules of hydrogen. ये भी हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूमेट्रिकली। तो फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 liter एट STP। तो गिवन वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 × mol. That will be 22.4 × 2 mol. That will become 44.8 liter at STP. ये हो गया हमारा थर्ड का भी आंसर। तो ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। हमें अब ये चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे आइडियल गैस रिलेशन का। That was P1V1/P2V2 is equal to N1T1/N2P2. हमें कहा गया है सेम गैस, सेम गैस का मतलब सेम क्वांटिटी भी होगा, तो मोल्स इक्वल है, तो यहाँ पे N1 = N2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बिकम P1V1/P2V2 = P1/T2। ध्यान रखें STP पे टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है STP पर, तो ये भी 273 ही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे मिलेगा P1V1 = P2V2. फिर P1V1 इज फॉर STP एंड P2V2 इज फॉर अदर कंडीशन। तो P1 पे प्रेशर होता है 1 atm, वॉल्यूम हमें दिया है 44.8 liter, P2 है 2 atm, ये V2 हमें चाहिए, तो V2 हमारे पास हो जाएगा 22.4 liter। दैट इज द वॉल्यूम एट दिस कंडीशन और अदर कंडीशन। आई थिंक सभी को ये न्यूमेरिकल सोल्व करना आ गया होगा। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें क्या क्या गिवन है वो देखेंगे, उसके बाद हम उसको पुट करेंगे फॉर्मूले में और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हो जाता है कभी कभार, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और हम कर सकते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।